वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी WCR अगले महीने से ग्वालियर जंक्शन से भोपाल जंक्शन के बीच चलने वाली इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रूट में बदलाव करने जा रहा है। ये ट्रेन अब वाया झांसी बीना होकर भोपाल पहुंचेगी। पहले यह ट्रेन 9 घंटे का समय ग्वालियर से भोपाल पहुंचने में लेती थी, लेकिन अब नए रूट से यात्रा में लगने वाला समय कम होगा। नया समय और नए रूट पर कौन से स्टेशनों पर इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकेगी, यह सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसा कि आपको पता होगा कि 12/197 और 12/198 ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस ग्वालियर से वाया शिवपुरी गुना अशोकनगर बीना होकर भोपाल आती थी, लेकिन अब यह ट्रेन ग्वालियर से चलकर दतिया झांसी बीना के रास्ते आना जाना करेगी। इस प्रस्ताव पर मोहर लगते ही इसका टाइम और रूट चेंज कर दिया जाएगा। जैसे ही इंटरसिटी का नया रूट टाइम और शेड्यूल अनाउंस होगा, हम आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो वहीं 04/197 और 04/198 ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी के करंट शेड्यूल की बात करें तो इंटरसिटी एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन से सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को दोपहर 3:20 पर डिपार्चर करती है, जो शाम 3:58 पर विदिशा, शाम 5:20 पर बीना जंक्शन पर 5 मिनट का स्टॉप लेकर अशोकनगर, गुना और मंगौली रुकते हुए उसी दिन रात 12:00 ग्वालियर जंक्शन पहुंचती है। वापसी में 04/198 ग्वालियर से सप्ताह के रविवार और बुधवार को छोड़कर सुबह के 6:20 पर रवाना होकर उसी दिन दोपहर 2:40 पर भोपाल जंक्शन पर अपना सफ़र पूरा करती है। इस दौरान इंटरसिटी एक्सप्रेस 9 स्टेशनों पर हॉल्ट लेती है, जो 485 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है और इसमें ग्वालियर से भोपाल तक लगने वाला किराया जनरल में ₹190, एसी चेयर कार में ₹675 है। इंटरसिटी एक्सप्रेस इस रूट से 9 घंटे में भोपाल से ग्वालियर पहुंचा देती थी। इंटरसिटी के नए स्टॉप में दतिया, झांसी, बबीना, ललितपुर, बीना, गंजबासोदा, विदिशा, भोपाल स्टेशन शामिल हो सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और रेलवे से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।